पब्लिक टीवी आपकी आवाज। महाराजा हरिचंद डिग्री कॉलेज में चल रही राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत सातवें दिन भी छात्र छात्राओं ने मलिन बस्ती में जाकर लोगों को मद्य निषेध व स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। साथ ही विस्तार से बताया कि शराब पीने से आदमी को विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, जैसे लीवर का खराब होना आदि बीमारियों से आदमी की मौत भी हो जाती है। साथ ही लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना स्वच्छ भारत मिशन के बारे में भी बताते हुए कहा कि हमें अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो वहीं कॉलेज की प्राचार्या डॉक्टर मीना कौल ने सभी बच्चों का उत्साह वर्धन किया। कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर अस्मा ने भी बच्चों को प्रेरित किया कि वो अपने क्षेत्र के लोगों को भी मद्य निषेध के लिए जागरूक करें। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर मीना कौल, डॉक्टर अस्मा, डॉक्टर नरेंद्र कुमार सहित कॉलेज के छात्र छात्राओं का सक्रिय योगदान रहा। सात दिवसीय विशेष शिविर के माध्यम से आज NSS का सातवां दिन है, जिसमें मद्य निषेध सप्ताह के अनुसार यहाँ पर गोष्ठी हुई है और छात्र छात्राओं ने मलिन बस्ती अम्बेडकर नगर और भदौरा में जाकर के महिला पुरुषों को जो है इसके प्रति जागरूक किया है। और इसी संदर्भ में जो है ये हमारा कार्यक्रम अभी जारी है, चल रहा है। आगे की रणनीति है, आगे की रणनीति ये है कि छात्र छात्राओं को हम NSS के जितने भी स्वयं सेवक हैं इनको हम मद्य निषेध से दूर रखने के लिए और ये जो है समाज को देश को इससे बचा कर रखें, इसके लिए हम इनको वचनबद्ध करें। मैम क्या कार्यक्रम चल रहा है? हमारे यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना का सात दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आज छठा दिन। आज क्या कार्यक्रम किया गया छठे दिन में? हमने पाँच दिन अलग अलग उद्देश्यों को लेकर, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर हमारा जो बस्ती है जिसको हमने चुना है मलिन बस्ती अम्बेडकर नगर व मलिन बस्ती भदौरा, छात्र एवं छात्राओं की अलग अलग, उनमें हमने जाकर के जागरूकता अभियान फैलाया, जिसमें कई विषयों को लेकर, कई बिंदुओं को लेकर वहाँ के लोगों को जागरूक किया, जिनमें से स्वच्छता अभियान और जो हमारा स्वच्छता के अलावा जितने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इसके अलावा मद्य निषेध और लोग युवाओं को हम के कौशल को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास उन कैसे करा सकते हैं, इस विषय को लेकर हमने उनसे चर्चा की और उनको जागरूक किया। इस कैंप में मैम कितने छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया? इनमें 50 छात्राओं ने और 50 छात्रों ने प्रतिभाग किया। मैम समाज से क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज के लिए जाहिर सी बात है, जो कॉलेज में आज युवा पीढ़ी है वो ही कहीं आगे समाज के लिए और पूरे देश के लिए कार्य में जुटती है, तो हम इन युवाओं के ज़रिए पूरे देश को, पूरे समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप इन तमाम अभियानों में, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे हम जिस तरह के भी जो भी अभियान को लेकर के हमने इन सातों दिनों में चर्चा करनी है, उनको लेकर के आगे भी वो अपनी इस बात को बढ़ाएं और अपने शहर को और अपने मुल्क को कहीं आगे लेकर